पंजाब विच मौसम दा मिजाज बदलिया, कई शहरां विच मीह पै रहा है ते सवेर तो ही जो इत्थे बदल छाए हुए ने। ते इस तो अलावा पूरे पंजाब दी जेकर गल कीती जावे तां कई जिलियां विच गड़ेमारी भी हुई है, कई शहरां विच मीह पै रहा है, गड़ेमारी इत्थे हो रही है, उत्थे सवेर तो बदल छाए हुए ने इत्थे ते लगातार मीह पै रहा है। पिछले दो दिनों तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया सी मीह नूं लैके। पंजाब विच मौसम दा मिजाज बदलिया ते इस मौसम के बदलन कारण किसानों दी मुश्किलां भी वध गईआं ने, क्योंकि फसलां इस समय खेतों में विछ गईआं ने कई थावां ते, ते उत्थे मंडियां विच जो फसल है वह भिज गई है, मंडियां विच फसलों के अंबार जो लगे हुए ने वह भिज गए ने, उसका कारण लगातार जो मीह पै रहा है। तो उत्थे मौसम विभाग वालों भी अलर्ट जारी किया गया, इतने दस दईए कि दो दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। पूरे उत्तर भारत में मीह पै रहा है, हिमाचल प्रदेश के कई जो उपरले इलाके ने उत्थे बर्फबारी भी हो रही है, ते उत्थे पंजाब विच कई शहरां विच मीह पै रहा है। बेशक एक पासे गर्मी तो राहत जरूर है पर दूजे पासे नुकसान भी वड्डे पद्धर ते हो रहा है कुछ लोगों के लिए। इस समय कह सकते हैं कि मौसम सुहाना कह सकते हैं वह, तो उत्थे पर दूजे पासे आवाजाई विच दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। सवेर तो ही बदल छाए हुए ने ते बदलवाई तेज मीह पै रहा है, तेज हवावां चल रही ने। इत्थों तक कि चंडीगढ़ में यह भी देखा गया कि सवेर के समय स्ट्रीट लाइटा जगिया हुई सन, यानी कि सवेर के समय हनेरा नजर आ रहा है। इन्ना मौसम का मिजाज बदलिया कि चंडीगढ़ में हनेरा नजर आया, तो मीह पैण नाल आम जनजीवन प्रभावित होया है। तो लगातार मौसम में बदलाव इतने वेखण मिल रहा है, सर्दी जिमें आ रही है तो उस तो पहला जो ये मीह पे है तो होर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो आम जनजीवन जो है इस तो प्रभावित होया है, तो आम जनजीवन से इसका असर पैदा हो, इस मीह का असर पैदा होया नजर आ रहा है। आवाजाही प्रभावित हुई है क्योंकि सवेर का समा जो सारे का दफ्तर जाने का समा हों उस समय से यह मीह पै रहा है, तो आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पै रहा है। तो उत्थे किसान बेहाल ने क्योंकि मंडिया में फसलां उन्हां दी पईआं ने, पूरे साल की जो मेहनत होंदी है तो उससे पानी फिरदा होया नज़र आ रहा है, तो किसान मंडिया में भी परेशान ने। उत्थे जिन्हां किसानां दी पक्की फसल खेतों में खड़ी हुई है किसान वो भी परेशान ने, कई थावां ते फसलां विच भी गईआं ने। तेज हवावां कारण तेज मीह कारण फसलों का भी बुरा इत्थे होया है, तो नुकसान फसलों का वड्डे पद्धर ते होया, मीह पैण कारण जनजीवन भी प्रभावित होया। इत्थे दस दईए कि पंजाब विच जो मौसम का मिजाज बदला है उसका असर आम जीवन जनजीवन से पैदा होया नजर आ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, सड़क जल थल इस समय से नजर आ रही ने, उत्थे कई थावां ते हनेरा भी दिन के समय नज़र आया। ये तस्वीर अमृतसर तो सामने आई ने जिथे वेख सकते हो सड़क मीह पै रहा है, तो सड़क पर जल थल इस समय होया, तो कई लोग रुके हुए ने इंतजार कर रहे हैं कि मीह कदों रुकेगा। उत्थे छोटे छोटे बच्चे जो है परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मीह विच, पर कुछ बच्चे है वो इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि मीह का मौसम अजिहा होंदा जिस दे विच इंजॉय भी किया जाता, पर बाद विच बीमारी का कारण भी बन सकता है जिस तरह ये मौसम के बदलाव कारण यह मीह पै रहा है। उत्थे आवाजाही विच दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, सड़क जिवें जल थल इत्थे नज़र आ रही ने, तो कोई भी वाहन जो है जिंदगी की रफ्तार इस मीह ने हौली इस समय ते कर दिती है। कई शहरों में मीह पै रहा है, उत्थे ही मंडियां विच किसानां दे हाल बेहाल ने क्योंकि फसलां इत्थे पहुंचियां हुई सन, अंबार लगे हुए फसलों के, तो वह इस मीह कारण भिज गई ने। कई शहरों में मीह पै रहा है, पंजाब विच भारी बारिश करके कई थावां ते तबाही भी हुई है, इत्थे तेज़ हवावां चल रही ने पंजाब विच कई थावां ते, कई शहरों में मीह पै रहा है, मीह पैण कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इतने दस दईए कि पंजाब विच मौसम का मिजाज बदलिया, कई शहरों में मीह पै रहा है, उत्थे ही दस दईए कि आम जनजीवन ते इसका असर पैंदा होया नज़र आ रहा है। तो पहला तो ही अलर्ट जारी किया गया सी मौसम विभाग वालों, पेशेनगोई की गई सी कि दो दिनों तक पूरे उत्तर भारत में मीह पवेगा, तो उत्थे जो पहाड़ी इलाके है उत्थे बर्फबारी होगी, तो जो पहाड़ी इलाके उत्थे बर्फबारी हो रही है, तो उत्थे ही जो मैदानी इलाके है उत्थे मीह पै रहा है, तो मीह कारण आवाजाही ते असर पै रहा है। इस तो अलावा होर भी जो लोग है परेशान होते हुए इस मीह कारण नज़र आ रहे हैं, खास तौर पर किसान जिन्हां दी मंडियां विच फसल पई है इस समय ते, इस तो अलावा कई जो
किसानों के खेतों में फसल पक्की इस समय से खड़ी हुई सी, उसका भी वड्डे पद्धर से नुकसान होया। कई थावां ते फसल विच चुकी है ते पूरे साल की मेहनत होंदी है किसान की। कई बार ये वेख्या जाता है, ज़्यादातर केसिस विच वेख्या जाता है कि कर्जा लैके किसानों ने ये पूरी फसल ते मेहनत की होंगी है तो फसल खड़ी की होंगी है, पर जो मौसम की मार पैंदी है तो किसानों ते मार इस मौसम की पैंदी हुई नज़र आ रही है। कई थावां ते फसलां विच चुकियां ने, उत्थे मंडियां विच जो फसलों के अंबार लगे हुए सन वह भी भिजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उत्थे ही जेकर मैदानी इलाकों की होर शहरां की गल की जाए तो सड़कों ते जल थल इस समय ते नज़र आ रहा है, सड़कां पानी पानी नज़र आ रही ने, आवाजाई ते इसका असर पैंदा होया नज़र आ रहा है। दस दिए कई शहरां विच मीह पै रहा है, उत्थे ही हुण मौसम विच जिस तरह के नाल बदलाव होया है ते इसका असर आम जनजीवन ते पैंदा होया नज़र आ रहा है। साडे नाल साडे सहयोगी हरजीत जुड़ गए ने, संगरूर तो जुड़ गए ने। हरजीत, किस तरह दियां तस्वीरां संगरूर तो सामने आ रही ने जदों दो दिनों तो मीह लगातार पै रहा है? जी जी नीलम, बिल्कुल जेकर गल की जाए लगातार तो पिछले दो दिनों तो कल नीलम बूंदाबांदी हुई सी, पर मीह कल हट गया सी, पर अज सवेर तो ही जो तेज मीह पै रहा, तेज हवावां दे नाल नीलम तुहानू दस दिए कि जिथे भारी बरसात हो रही है पर उत्थे ही तुसी वेख सकते हो अनाज मंडी संगरूर दे दृश्य तुहाडे दिखा रहे इस समय स्क्रीन दे उत्ते ने, जो अनाज मंडी संगरूर दे दृश्य ने उत्थे ही जिथे लगातार मीह पै रहा। कितने ना कितने नीलम इस मीह दे नाल जो किसान ने उन्हां दी जो चिंतावां ने ओह कितने ना कितने बातियां दिखाई दे रहियां ने। क्यों करके जेकर संगरूर इलाके की गल की जाए नीलम, जदों जीरी लगाई गई सी उस समय हड़ा दी मार हो गई सी, कितना कितने किसान हड़ा दी मार दे नाल नजर आउंदे सी, पर हुण जदों उन्हां दी फसल पक के पूरी तैयार आ मंडियां दे विच आउण नूं तैयार आ, उस समय जदों मीह पैंदी आ कितने ना कितने जो किसान की पुत्ता वांगू पाली हुई फसल के उत्ते जदों बारिश पैंदी आ किसान ही जानदा नीलम उसके दिल के उत्ते इस समय की बीती होवेगी। ते बिल्कुल इत्थे किसानां दीआं दिक्कतां वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने। हरजीत, मंडियां विच किस तरह दे प्रबंध कीते गए ने इन्हां किसानां दीआं मुश्किलां हल करन दे लई? जी नीलम, बिल्कुल जेकर मंडियां दे प्रबंधां दी गल कीती जावे, संगरूर दे जो मंडी दे प्रबंध नीलम तुहानूं तस्वीरां जरिए भी दिखाउणे आ, ज़्यादातर तरपालां दे नाल जो इत्थे फसल आ झोना जीरी आ वह टकी हुई है, पर तुसी कुछ बोरियां अजिहियां भी देख सकते हो जो कि खुले समान के नीचे पईआं ने, उन्होंने उत्ते पानी पै रहा। कितने कितने जो मार्केट कमेटी के वलों दावे किए गए थे पुख्ता इंतजाम के, कितने ना कितने उन्होंने उपर भी प्रेशर चिन्ह लगते नज़र आते नीलम, पर उत्थे जिस तरह मैं तुहानूं आख्या सी कि जेकर गल की जाए नीलम यह सिर्फ बासमती जीरी आई है, हले तक जेकर ऊषा की गल की जाए वो हले आनी बाकी खेतों के पक्की हुई खड़ी है, पर जिस तरह तेज मीह दे नाल तेज हवावां चल रही ने इस दे नाल लगता कितने ना कितने जो किसानों दी चिंता ने वह बढ़ गई ने, क्यों करके जो बारिश के नाल तेज हवावां चल रही ने फसलों बिछी आदि ने कितने ना कितने। जी बहुत शुक्रिया। तो हुण रुक करांगे अगली खबर दा, गल करांगे खन्ना दे अनाज मंडी दी। एशिया दी सब तो वड्डी अनाज मंडी है खन्ना दी, पर मीह कारण उत्थे भी नुकसान हो रहा है। वेखो इस रिपोर्ट विच। पंजाब दे कई इलाके दे विच सवेर तो ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों दे लई बारिश दी भविष्यवाणी करदिआं ऑरेंज अलर्ट जारी कीता है। बारिश दे नाल किसानां दे साह सुके पए ने, एक पासे झोने दी पक्की फसल खेतां विच खड़ी है तां दूजे पासे मंडियां दे विच वी झोने दे अंबार लगे होए ने, अते इस बारिश दे नाल झोने दा सीजन काफी प्रभावित हो रहा है। एशिया दी आपां सब तो वड्डी मंडी दी गल करिए तां खन्ना मंडी एशिया दी मन्नी जांदी है वी जिहड़ी खन्ने दी मंडी है एशिया दी सब तो वड्डी मंडी है, ते शैड दा प्रबंध बहुत ज्यादा घट है। इस तो पहलां जिहड़ी पिछे दुकानां पै जांदियां ने जिथों एक नंबर गेट तों एंट्री करदे आ उत्थे अगे शैड हुंदा सीगा, वह शैड भी किसी कारण करके किसी ट्रक वाले ने फसाया तो वह टुट गया, मुड़ के उत्थे शैड का की बनाना सी टुटिया हुआ भी चकता। पर अज जरूर बेनती करदा कोई मंत्री कोई MLA आके कोई देखे जरूर, तो कृपा करके बेनती थोनू भी मैं करदा भी ये आवाज़ तो खबर जरूर भगवंत मान तक जरूर जी पुजती करो मुख्यमंत्री साहब तक, शैड तो बिना कोई हल नहीं है।
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब हरियाणा हिमाचल समेत उत्तरी भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करदिया अगले दो तीन दिनों तक भारी मीह का खदशा जताया गया है। विभाग ने कहा है कि यह इस मौसम की पहली पश्चिमी गड़बड़ है और 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करेगी। मौसम के बदलते मिजाज करके किसानों की चिंतावां होर भी ज्यादा बढ़ गई ने। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश बहुत ज्यादा, बड़ा मुश्किल होगा। झाड़ से भी बहुत ज्यादा असर पेगा, गां वढ़ाई से भी असर बहुत ज्यादा पेगा, कणक की बिजाई से भी असर पेगा। घट्टो घट नहीं कह सकते भी दो क्विंटल बिघे तक असर पेगा। परमात्मा सुख रखे जे गड़े ना पैण, बाई चांस जे कि उन्नी की गल होर होंगी फिर कोई अंदाजा नहीं ला सक लाया जा सकता भी कि नुकसान होगा। तो बिल्कुल तुरके देखना हो, मैनू लगता भी 25% अनाज जो नंगा पाया, 25 to 30%। तो जिस तरह मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अंदाजा लगाया है उस तो साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों के किसानों की मुश्किलें बढ़दियां ही नजर आ रही ने। ते हुण गल करांगे पाकिस्तान दी नापाक हरकत दी। जी हाँ, कितों ड्रोन बरामद हो रहा है ते कितों हैरोइन दी बरामदगी हो रही है। फिरोजपुर तो ड्रोन दी बरामदगी हुई है ते उत्थे अमृतसर तो हैरोइन दी बरामदगी हुई है। अमृतसर विच 33 करोड़ रुपए की हैरोइन दी बरामदगी हुई है। पाकिस्तान तो 6.5 किलो हैरोइन इतने पहुंची सी। 33 करोड़ की हैरोइन समेत 5 नशा तस्करों भी काबू किया गया ड्रोन जरिए। पंजाब ये हैरोइन आई सी उत्थे ही वेख सकते हो दूजी तस्वीर, जो ड्रोन वेख्या जा सकता पाकिस्तानी ड्रोन इतने वेख्या जा सकता है। इतने वेख सकते हो तुसी के ड्रोन की बरामदगी हुई है, किसान ने जानकारी दी सी। ते उत्थे ही अमृतसर की जेकर गल की जाए नशा तस्करों भी गिरफ्तार किया गया है। तो पाकिस्तानी ड्रोन की बरामदगी हुई है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਅਟਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ। 2 ਕਿਲੋ ਹਰੀਉਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 185/23 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ 38/19 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ 231/22 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਫਾਸਟ। ਉਹਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਜੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁਰੜ ਤੋਂ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਵੇਚ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਡੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਾ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उस नूं हस्पताल लजाया जांदा है अते जेरे इलाज उसकी मौत हो जांदी है। पुलिस दे मनिए तां दोहां गुट्टां विचाले पहला मौका नहीं जदों ए लड़े होण। इस तों पहला भी कई बार ए गुट आपस विच लड़ चुके ने। वांड हैगा मथा पहले दरखास्त वाई चलदी है प्रधानां नूं लवै के इन्हां दा राजीनामा कई वारी करवाया अज इह ज्यादा फेर दुआरे इन्हां दी आसीं बहस होई बहस तों बाद इन्हां दी कुटमार फोन करके बंदे दी इन्हां दी परिवार मैंबर दी डैथ होई हुण मौके ते पहुंचिया कार्रवाई चल रही। बंदे डैथ हो गए? हाँ। किन्नी उम्र बंदे दी? हुण चलो 55 चलो 56 बंदे। केड़ी जगह रहदी है? सारू। फिलहाल पुलिस ने लाश नु कब्जे दे विच लै लिया अते पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जबकि झगड़े के इस मामले दे विच फरार मुलजमान की गिरफ्तारी दे लई छापेमारी की जा रही है। लुधियाना तो राजविंदर सिंह दी रिपोर्ट। अगे वधांगे जलंधर विच हिंदू देवतियां दीयां तस्वीरां दी बेअदबी करन दा मामला सामने आया। इत्थों एक शख्स ने तस्वीरां नूं एक गंदे नाले विच सुट दित्ता जिस तों बाद लोकां ने खूब हंगामा कीता। गुलाब देवी रोड ते लोकां दी भीड़ इस लई इकट्ठी होई है क्योंकि एक नौजवान ने हिंदू देवतियां दीयां तस्वीरां अते मूर्तियां गंदे नाले दे विच सुट के बेअदबी कीती है। मंदिर दे बाहर मूर्तियां ते फोटोआं दा स्टॉल लगाउण वाले मनी दी मनीए तां उसदा अपने किसी रिश्तेदार दे नाल झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े दे चलदे उसदे रिश्तेदार ने उसदे स्टॉल दी ना सिर्फ भनतोड़ कीती बल्कि उसदा समान गंदे नाले दे विच सुट दित्ता है। मंजे दिया सबको मेरा सबूत है सब कुछ। इन्हों ने दुर्गा मंदिर सामने अपने सारे देवी देवत्या जी दी फोटोआं लगा के जिहड़े कि बेचदे आ दिवाली दे दिनां दे विच इन्हों का एक ब्रदर है चाचे का लड़का काका जिन्हें कि आ के इन्हों के घरेलू मसले पर लड़ाई झगड़ा भी किया इन्हों कुटमार भी की है तो सारी देवी देवते दी फोटो गंदे नाले पिछों सुट दी गई ठीक है जी जिहड़ा कि एक बेअदबी का मुद्दा वा। घटना तो बाद पूरे इलाके दे विच रोस की लहर है। लोगों ने हंगामा किया है अते इस हंगामे नूं देख के पुलिस भी मौके ते पहुंची है। ਸਾਨੂੰ 112 ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਕੰਨ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਸਬਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਫਤ ਬਣਦਿਆ ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ
जो है झोने की फसल जिवें पहुंची हुई है ओ भेजती हुई इतने नज़र आई तो किसानों दियां चिंतावां इतने वध गईयां ने क्योंकि पूरे साल की एक मेहनत होंदी है कई किसानों ने कर्जा लैके खेती की होंदी है तो हुण जदों मीह पै जांदा मौसम की मार पैंदी है तो उन्हां दे लई इह चिंता का विषय जरूर है। मौसम बहुत ही बहुत ज़्यादा खराब होया पिया जी। हाँ जी कल भी बारिश हुई सी। हाँ जी कल भी सी ते अज अज भी हो रही है अजे वेखो मालक दे रंगा दा की बनना की नहीं घने बदल हले भी छाए हुए हैं। हाँ जी हाँ तो किवें देखते जो बारिश होंगी है तो सीजन दे विच तां काफ़ी औखा होंदा होएगा। बहुत ज़्यादा औखा हो जाए लेबरां नूं डबल कम पै जान लग पैंदे फिर जिवें साढ़े सहयोगी सनी चोपड़ा जुड़ गए ने। सनी असी मंडियां दियां तस्वीरां वेख पा रहे हाँ जिथे किसान भी परेशान नज़र आ रहे हैं जिस तरह के नाल मीह पिया किस तरह के प्रबंध इतने मंडियों में किए गए हैं खास तौर पर जदों मीह का अलर्ट भी जारी होया सी जी। बिल्कुल नीलम देखा जाए तो जी फिरोजपुर के इस वे बारिश हो रही है कल भी सवेरे काफ़ी बारिश हुई सी तो इस सवेर भी बारिश हो रही है तो मंडियां दे खुले आसमान के फसल किसानों की पई हुई है किसान अपनी फसल लैके आ रहे हैं तो बोरिया भी जे गल करिए बोरिया के जी फसल है वह भरी हुई है पर खुले आसमान के थले जी है फसल पई हुई है और भेजती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैगी है तो इतने प्रबंधा का जोड़ा पता लग जाता है कई थावान उपर असी तरपैला देखिया कि फटिया हुई तरपैला भी जड़िया वो नजर आई है तो ज्यादातर तरपैला भी जड़िया नहीं है तो दूजे पास गल करिए हेले तो वाढ़ी जी है वह हो रही है जोड़ा झोना वो मंडिया के आ रहा है किसान अपनी फसल लैके आ रहे हैं पर मौसम की मार है जी वो लगातार किसानों जी पै रही हैगी है पहले जोड़े हड़ आए है उनके करके जी है किसानों मार पई तो हूँ मौसम जोड़ा वो खराब हो गया तो जिंद करके किसानों दिंतावान जड़िया ने वह वध गई है तो दूजे पासे लेबर का भी कहना है कि साड़ी भी बड़ी दिक्कत होंदी है जदों असी फसल बोरिया के भर देने फसल नूं असी सुखाने है तो उस तो बाद मौसम खराब हो जाता है बारिश पैंदी है फिर असी दोबारा तो उस फसल नूं सुखाना पैंदा है पक्खा लगाना पैंदा है उस तो बाद अगर जे बोरी के भरी है तो बोरी नूं फिर धुप के रखना पैंदा है फिर जो टिग्गा होंदियां उन्हां नूं चक के फिर दूजे पासे रखना पैंदा काफ़ी जिहड़ी दिक्कत है वह झलनी पैंदी हैगी है जी। नीलम जी सनी तो फिर इतने इंतजाम किस तरह के नजर आ रहे ने। बिल्कुल नीलम देखी जाए तो जो मंडी के गए जो बारिश हो रही है हले भी जी बूंदाबांदी हो रही बारिश के प्रबंधा की जो गल करिए कई थावान के उपर तरपैला जो नहीं नजर आई हैं तो खुले समान के थले बोरियां पई हुई ने हालांकि प्रबंध होने चाहिए है पर पूरे प्रबंध जो नजर नहीं आते हैं जी जी सनी फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरां तुसी वेख रहे हो अमृतसर दी फिरोजपुर दी ते उत्थे लुधियाणा दीयां तस्वीरां तुसी वेख रहे हो जिथे मीह कारण आवाजाई ते असर पैंदा होया नज़र आ रहा है रफ्तार इत्थे जिंदगी दी हौली हुंदी हुई नज़र आ रही है। साडे नाल साडे सहयोगी राजविंदर जुड़ गए ने। राजविंदर किस तरह दीयां तस्वीरां लुधियाणा तो सामने आ रही ने ते इत्थे किस तरह के प्रबंध किए गए ने खास तौर पर मंडियां दे विच जदों दो दिनों तो मीह पै रहा जी। जी बिल्कुल नीलम तुहानू दस दिए कि पिछले मौसम विज्ञानी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार जी है कल ते अज जी बरसात देखने को मिली है जी। गल करिए सवेर तो ही जिहड़ा मीह लुधियाणा में पै रहा है जी। गल करिए तापमान के जी है वड्डी गिरावट देखने को मिल रही है असीं कह सकते हैं कि तापमान जिहड़ा है जरूर घटेगा क्योंकि बीते दिन बरसात तो बाद जिहड़ा मौसम के फर्क पिया सी। जे उत्थे गल करिए मंडियां दी जां फिर किसानां दी असीं कह सकते हैं कि किसानां दीयां मुश्किलां जरूर जिहड़ियां वधदियां होईयां नजर आ रहियां ने क्योंकि जिस तरह मेरे सहयोगी ने दस्सिया कि मंडियां दे विच किसान जिहड़े ने अपनी फसल नूं लैके पहुंचे हुए ने जां फिर किसान जिहड़े ने लगातार जिहड़ी है कटाई जिहड़ी झोने दी कर रहे ने असीं कह सकदे हां कि उहनां दीयां जिहड़ियां मुश्किलां जरूर वधदियां आ रहियां ने। जे गल करिए मंडियां दी तां लुधियाणा दे विच मंडियां दे विच जिहड़ी किसानां वल्लों जिहड़ी फसल लिआंदी गई सी उस नूं ढकण वास्ते जरूर जिहड़ियां तरपालां जिहड़ियां ने दित्तियां गईयां ने पर जे मॉइस्चर दी गल करिए जदों मॉइस्चर मीह पैंदा है तां मॉइस्चर देखण नूं मिलदा है तां किसानां नूं जरूर दिक्कत आउंदी है क्योंकि जिहड़ी फसल दी चकाई है जी। राजविंदर बिल्कुल किसानों दिक्कतों का सामना करना पै रहा है।